देश की राजधानी में कोरोना से राहत मिलती नजर आ रही है, लेकिन डेंगू जानलेवा बन रहा है। दिल्ली में डेंगू के बढ़ते मामलों के बीच इस साल की पहली मौत भी हो गई है। सिर्फ अक्टूबर महीने में डेंगू के 382 नए मामले सामने आए हैं। दिल्ली में डेंगू विकराल रूप ले चुका है। बड़ी संख्या में यहाँ डेंगू के मामले सामने आ रहे हैं। डेंगू के नए मामले आने के साथ ही राजधानी में डेंगू के कुल मामलों की संख्या 723 हो गई है, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई। इस मरीज की मौत दिल्ली के होली फैमिली अस्पताल में हुई है। वहीं डेंगू के मरीजों के इलाज के लिए लोकनायक अस्पताल में दिल्ली से डेंगू के लिए दो अलग वार्ड बनाए गए हैं। डेंगू के मरीजों के लिए 100 बिस्तर रिजर्व कर दिए गए हैं। इमरजेंसी के लिए प्लेटलेट्स की 200 यूनिट तैयार रखी गई है। इतना ही नहीं, डेंगू के साथ मलेरिया और चिकनगुनिया भी पैर पसार रहा है। सिर्फ अक्टूबर में मलेरिया के 29 और चिकनगुनिया के 13 केस सामने आए। अगर कोरोना की बात करें तो कोरोना वायरस से एक भी मरीज की मौत नहीं हुई है। दिल्ली में अब तक 25,089 लोगों की जान संक्रमण की वजह से हो चुकी है। पिछले 24 घंटे में संक्रमण के 32 नए केस दर्ज किए गए। कोरोना संक्रमण दर 0.07% हो गई है। सक्रिय मरीजों की बात करें तो इनकी संख्या 320 हो गई है, जिनमें से होम आइसोलेशन में 88 मरीज हैं। सक्रिय कोरोना मरीजों की दर 0.022% और रिकवरी दर 98.23% है। ब्यूरो रिपोर्ट, नवोदय टाइम्स, नई दिल्ली।